बाबा कृष्णनाथ यदवंशियों को यहाँ पर तब मिले थे जब वो अपना कृषि कार्य कर रहे थे। एक यादव परिवार के सपने में वो आए, उन्होंने कहा यहाँ मंदिर बनाओ, और इस तरह से इस धाम की स्थापना हुई। ये विश्व के जो 12 धाम हैं उनमें से एक है। जो इतिहास पढ़ा जाता है कि नदी होगी, कुछ वृक्षों का नाम लिया जाता है, उन वो होंगे, उन सारे गुणों को ये पूरा करता है। और ये मेरी मान्यता है, लाखों लोगों की मान्यता है, करोड़ों लोगों की मान्यता है कि ये 12 धामों में से एक धाम है। और इस धाम के बन जाने से, निर्मित हो जाने से इस क्षेत्र में सदैव बाबा का आशीर्वाद रहा। हम मानते हैं यहाँ एक मूर्ति नहीं बैठी है, बल्कि साक्षात बाबा बैठे हैं। इस क्षेत्र की वो रक्षा भी करते हैं, इस क्षेत्र को वो वरदान भी देते हैं, और इस क्षेत्र को अपना सबसे बड़ा परिवार मान के परिवार के मुखिया के रूप में हमारे बैठते हैं। समय समय पर सबने इनकी सेवा की है। बस्ती के नरेश ने इनका जीर्णोद्धार कर दिया। राजा दिनेश सिंह जी जो भारत सरकार के मंत्री थे वो आए, तो उन्होंने यहाँ पर, उनके साथ मैं आया यहाँ पर, तो धीरे धीरे निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। और उसके बाद राजा साहब के साथ जो सफ़र बाबा की सेवा का प्रारंभ हुआ था, वो यहाँ की सांसद रही राजकुमारी रत्ना सिंह जी के आने तक जारी रहा। और आज ये सिर्फ प्रदेश के पर्यटन स्थल के रूप में नहीं विकसित हुआ है, लगभग राजकुमारी रत्ना सिंह और मेरे प्रयास से यहाँ लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार के पर्यटन विकास मंत्रालय ने इसे अंगीकृत कर लिया है। हमारा उद्देश्य है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, देश भर से लोग आएँ, दुनिया भर से बाबा पर आस्था रखने वाले लोग आएँ, तो उनके आवागमन में उन्हें तकलीफ न हो, सुगम मार्ग हो, उनके रहने का भी स्थान हो, और उसी के साथ साथ इसे दर्शनीय पर्यटन स्थल बन जाए। विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि इसको हम इस रूप में विकसित कर रहे हैं कि बाबा का कुछ इस तरह सौंदर्य बढ़ जाए कि उससे अभिभूत होकर, उनके वरदान से अभिभूत होकर, उनके आवागमन के साधन कुछ इस तरह विकसित हो जाएं कि जो बाबा की कृपा एक क्षेत्र विशेष पर ये बढ़कर जनपद, प्रदेश और देश तक फैल जाए, और बाबा का आशीर्वाद से हमारा भारत एक रहे, अखंड रहे, मजबूत रहे, और यहाँ की कौमी एकता कायम रहे। वो दिन भी आए जो हम सब ने सपना देखा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हमारा भारत उभरे, और उसके लिए बाबा का आशीर्वाद। बाबा घुसरनाथ धाम का महत्व हमारे प्रतापगढ़ और खासतौर से इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ हमारे पूर्वज आते थे और हम लोगों ने वो परंपरा बरकरार रखी, और प्रमोद जी और हम लोगों ने मिल के यहाँ कौमी एकता का एक मिसाल के तौर पे एकता महोत्सव शुरू किया है, जिससे कि शिवरात्रि के दिन और उसके एक दिन पूर्व और एक दिन पहले यहाँ की आसपास की जनता शिव पूजा, शिव अर्चना, शिव आराधना में लीन होके बाबा के दर्शन करें और बाबा का की पूजा करें। बाबा यहाँ एक शक्ति के स्तंभ के रूप में, ये कितने पुराने हैं इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है, पर ऐसे शक्ति के स्तंभ है बाबा कि मैंने तो देखा है अपने जीवन काल में, अपने पिता के जीवन काल में, कि कभी बाबा ने हम लोगों को निराश नहीं किया। और जब जब हमारे यहाँ संकट आए हैं तो बाबा ने हमें त्रिशूल थमाया है, शक्ति दी है हर लड़ाई लड़ने के लिए और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। तो बाबा का महत्व, हम लोग तो ये मानते हैं कि हम क्या करें, कैसे बाबा की पूजा करें, और हम और प्रमोद जी हमेशा ये ख्याल रखते हैं और यही सोचते रहते हैं कि हर वर्ष हम किस तरह बाबा की सेवा कर सकें और बाबा के इस चमन को बिल्कुल किस तरह हम स्वर्ग बना सकें।
और इसी में जितनी और जितनी हमारी कमाई है हम अपने इस बाबा भुईसरनाथ के धाम पे किस तरह अर्पित करें, यही हमारा प्रयास है। और ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि बाबा की शक्ति अब खाली प्रतापगढ़ में अकेले सीमित नहीं है, बाबा के भक्त दूर दूर से आते हैं और भुईसरनाथ का जो 12 जो ज्योतिर्लिंग है ये इसी दरबार में है, ये हम लोगों का विश्वास है।